Assalamualaikum, welcome back to Educate Pakistan। जो हमारे आज की वीडियो है उसका टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि AFNS और AMC के टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉल्व क्वेश्चंस होंगे ये, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। सो चलें चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? एज यू ऑलरेडी नो दैट, ओहम मीटर। सो हियर द आंसर इज ओहम मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ट्रेन इज रनिंग विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस डस इट कवर्स इन 12 मिनट्स। ये है इंटेलिजेंस का क्वेश्चन। अब देखें, इसमें पूछा गया है कि एक ट्रेन है वो रन कर रही है, उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहे हैं कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी 12 मिनट्स में। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास स्पीड का होना जरूरी है। स्पीड आपके पास 90 किलोमीटर पर आवर, पर आवर को खत्म करने के लिए 90 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, जो आंसर आएगा आपके पास उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पर? 18 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच वन इज लीस्ट लाइक अदर्स, मंकी, चिंपैंजी और पांडा। सो द करेक्ट आंसर इज पांडा, बिकॉज जो चिंपैंजी और यहाँ पर मंकी है, ये दोनों बंदर की कैटेगरीज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई हैव फेथ डैश अल्लाह, आई हैव फेथ इन अल्लाह, ऑलरेडी मेंशन है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज कंसिडर्ड द बर्थ कैनाल, जो बर्थ कैनाल है उसको क्या कहा जाता है। सो ये बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MDCAT के टेस्ट में भी अक्सर रिपीट होता है। सो द आंसर इज वेजिना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाउ मच ब्लड ट्रेवल फ्रॉम हार्ट टू किडनी, कितना ब्लड ट्रेवल करता है हार्ट से किडनी की तरफ। तो कितना ब्लड ट्रेवल करता है वो है कितने परसेंटेज, वो है 20%। 20% से ऑनवर्ड 24%, 25% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम क्लोराइड इज। हियर द आंसर इज 6, पॉजिटिव 6 होगा यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव 6। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द लाइन स्प्रैंग डैश द बफेलोज, द लाइन स्प्रैंग अपॉन द बफेलोज। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ CH4 इज। अब CH4 ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, CH4 की जो मोलैरिटी है आपने वो बतानी है, तो वो होती है 16 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैक्सिमम ग्रेविटी इज एट, जो मैक्सिमम ग्रेविटी होती है वो यहाँ कहाँ पर होती है, वो होती है पोल पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, शी रिमेन डैश इन हर होल लाइफ स्प्रिंटर, शी रिमेन स्प्रिंटर इन हर होल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिनोनिम ऑफ वाइल्ड इज, ये तो आप सबको ही पता होगा कि सिनोनिम वाइल्ड का होता है कल्टीवेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच हैलोजन इज लिक्विड, कौन सी हैलोजन जो है वो लिक्विड है। हियर द आंसर इज ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन, किसने वैक्सीन को डिस्कवर्ड किया। तो द आंसर इज डॉक्टर एडवर्ड जेनर, डॉक्टर एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 15 है, माय ब्रदर इज डिवोटेड डैश रिलीजियन, माय मदर इज डिवो सॉरी माय ब्रदर इज डिवोटेड डैश रिलीजियन,
सो सेंटेंस कंप्लीट होगा मैं माय ब्रदर इज डिवोटेड टू रिलीजियन। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ लाइट रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। लाइट जो है वो कैसे पहुंचती है सन से अर्थ तक। सो द आंसर इज कितने टाइम में यहाँ पर आपने बताना है, ठीक है। आपने टाइम बताना है और वो टाइम है आपके पास 8 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है वन लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। जो एक लाइट ईयर है वो यूनिट है डिस्टेंस का। वन लाइट ईयर आपने ये अक्सर देखा भी होगा, सुना भी होगा फिजिक्स की बुक में स्पेशली के वन लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 18 है एंगल ऑफ मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल इज। अब देखिए यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया है कि जो एंगल है मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल का वो कितना है, तो वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 है द प्रोसेस इन विच कंप्लीट डीसी साइकिल इंटर्स इनटू एसी। हियर द आंसर इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अगर आप लोग इन सारे टेस्ट की ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नंबर मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको ऑनलाइन क्लासेस में ऐड होने का प्रोसीजर बता दिया जाए, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो, क्योंकि आपका जो टेस्ट और जो आपकी सिलेक्शन होती है वो आपके इस टेस्ट के बेस पे होती है, आपका जो मेरिट बनता है वो इस टेस्ट के बेस पे बनता है। सो कोशिश कीजिए अपने टेस्ट को अच्छे से क्लियर करें। नेक्स्ट चलते हैं हम, बोन सेल्स आर फॉर्म्ड वेयर इन द बॉडी। जो बोन सेल्स होते हैं वो होते हैं इसमें किस बॉडी के अंदर, कहाँ पर बनते हैं बोन सेल्स, तो वो बनते हैं बोन मैरो में। बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 21 है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। अब आपने यहाँ पे बताना है कि जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 22 है विच डिजीज वैक्सीनेशन इज नॉट बीन आइडेंटिफाइड येट। हियर द आंसर इज कैंसर। कैंसर की जो डिजीज वैक्सीनेशन है उसको स्टिल आइडेंटिफाई नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है विच एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू मसल्स। कौन सी एनर्जी ऐसी है जिसको डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है मसल्स की तरफ, तो हमारे पास जो आंसर है वो है इसका एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एटीपी। क्वेश्चन नंबर 24 है द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल हार्ट बीट इज। पार्ट ऑफ ब्रेन एक ऐसा जो हमारे ब्रेन का पार्ट है जो कंट्रोल करता है हार्ट बीट, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेडुला अब्लोंगेटा। मेडुला अब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है डार्लिंग रिवर। यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर है रिवर। डार्लिंग रिवर इज सिचुएटेड इन। डार्लिंग रिवर इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये रिवर सिचुएटेड है ऑस्ट्रेलिया में। होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई ऐसा सवाल जो नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए पहले से माजरत। मजीद हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। और ये है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन तो नंबर है 03-2124-5001। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके इनरोल हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।